नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें 10 लेक्चर्स तक हो चुके हैं, 10 लेक्चर्स तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये 11th पार्ट है, ये 11th लेक्चर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 11th क्लास बायोलॉजी दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उस पर ये 11वां वीडियो है। पिछले 10 वीडियो तक हम लोग फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं। फंगी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और वायरस वायरोइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैसिडोमाइसिट्स के बारे में, जो कि एक फंगी होता है। तो बैसिडोमाइसिट्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात बैसिडोमाइसिट्स क्या है। ये फंगी है, एक क्लास है फंगी की, 4 मेजर क्लास थी फंगी की, उसमें से तीसरी क्लास है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फंगी कौन से होते हैं? एस्कोमाइसिट्स, मैंने पहले बताया था। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि एस्कोमाइसिट्स के बाद सबसे ज़्यादा वेराइटी या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली फंगी कौन सी है, तो बैसिडोमाइसिट्स है सेकेंड। ठीक है, और क्या बातें इसके बारे में? कॉमन नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडोमाइसिट्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। ठीक है, देखो एक बात ये याद रखना कि बैसिडोमाइसिट्स को क्लब फंगी भी कहते हैं। ठीक है, क्लब फंगी, जैसे एस्कोमाइसिट्स का नाम था सैक फंगी। ठीक है, क्योंकि सैक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। ठीक है, इसलिए उसको सैक फंगी कहा था, मैंने बताया था आपको उस वीडियो में। बैसिडोमाइसिट्स को क्लब फंगी भी कहते हैं। क्लब फंगी क्यों? क्लब क्या होता है? क्लब, अब ये क्लब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्लब ये वो डिस्को क्लब, वो वाला क्लब नहीं है ये। क्लब मतलब आपने ताश के पत्ते, ताश खेला होगा तो उसमें 4 चीजें होती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? ईंट, ये ईंट हो गया, एक हो गया हुकुम हो गया, और एक हो गया चिड़ी हो गया, और एक हो गया आपका पान। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं। अब इन्हीं को जैसे ईंट को इंग्लिश में बोल देते हैं डायमंड। ठीक है, जैसे हुकुम को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। ठीक है, पान को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, और इसको इंग्लिश में, चिड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। ठीक है, तो एक पत्ते होते हैं, एक पत्ता, 4 मेन जो कार्ड्स होते हैं जब हम कार्ड्स खेलते हैं, उसमें से एक टाइप कौन सा होता है? चिड़ी। खेले होंगे ना ताश वगैरह? तो अरे खेलते हो कि नहीं खेलते? नहीं सर, खेलते ही नहीं हम, तो कुछ नहीं खेलते हम। ठीक है, चिड़ी एक पत्ता होता है। ठीक है, तो उसका शेप कैसा होता है उसका देखना आप। उसका इक्का ले लो, बादशाह ले लो, कुछ भी ले लो, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे बनाता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, किधर बनाए यार, स्पेस ही नहीं है, यहां बनाते हैं अपन। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्पेस, ऐसा सा उसका स्ट्रक्चर होता है। अरे होता ही नहीं होता है, तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा इनका भी, क्लब फंगी का भी, इसलिए इनको बैसिडोमाइसिट्स को क्लब फंगी बोला गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं, ये थोड़ा सुंदर नहीं बना वैसे भी। ठीक है, देखो अब कॉमन फॉर्म्स हैं बैसिडोमाइसिट्स का, मशरूम, मशरूम जो हम खाते हैं। ठीक है, वो, इसके अलावा ब्रैकेट फंगी। ठीक है, कुछ ब्रैकेट फंगी भी आते हैं, या ब्रैकेट फंगी कहो या पफ बॉल्स कहो। पफ बॉल मतलब इस तरीके से उनका ऊपर का स्ट्रक्चर इस तरीके से फूला हुआ रहेगा, पफ बॉल्स भी उन्हें कहते हैं, बॉल्स सा लगेगा ऐसे। ठीक है, देखने में कुछ ऐसा ये लगता है इस तरीके से, तो ये बॉल सा मतलब फूली हुई बॉल सा लग रहा है ना, पफ्ड स्ट्रक्चर लग रहा है, इसलिए इसको ओवरऑल पफ बॉल भी कह दिया। ठीक है, तो इसके कॉमन नेम है, क्लब फंगी बोल दो, मशरूम बोल दो, ब्रैकेट फंगी बोल दो या पफ बॉल बोल दो, एक ही बात है, सब बैसिडोमाइसिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल, कहाँ ग्रो करते हैं? हैबिटेट बता रहे हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं नॉर्मली। ठीक है, जमीन पे, मिट्टी में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स। ठीक है, ट्रीज वगैरह में, लम्ब्स में, ठीक है, लॉग्स में, ठीक है, इन चीजों में ग्रो करते हैं ये। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, प्लांट की बॉडीज जो होती हैं, कई बार आपने देखा होगा प्लांट की बॉडी में भी बड़े प्लांट होते हैं, जैसे बड़े प्लांट हो गए आपके, पीपल का पेड़ हो गया, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, बरगद वगैरह, तो उमस होती है कई जगह प्लांट में भी, तो वहां पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है,
एज पैरासाइट। अच्छा, वहां पे ये पैरासाइट के तौर पे ग्रो करते हैं। पैरासाइट मतलब समझ में आ गया, पैरासाइट मतलब ये नुकसान पहुंचाएंगे प्लांट को, उनका न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट, ठीक है, जैसे रस्ट के फॉर्म में, स्मट के फॉर्म में। रस्ट, रस्ट के फॉर्म मतलब रस्ट करने वाले फंगी हैं ये, या स्मट करने वाले फंगी कहते हैं इनको, ठीक है। रस्ट करने वाले फंगी मतलब इसमें जंग लगा दे, इसको रॉटन कर दे, इसको सड़ा दे, इसको गला दे, ठीक है, ऐसा फंगी नुकसान पहुंचाए प्लांट को, उस पार्ट को प्लांट के, ठीक है। दूसरा स्मट यानी कि मैला कर दे उसे, स्मट यानी मैला, ठीक है, स्मट कर दे उसको, मैला कर दे उस पर्टिकुलर, या तो पूरे प्लांट को ही, या बड़ा अगर ट्री है तो उसके एक कुछ पार्ट को, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये इस तरीके से पाए जाते हैं, सॉइल में, सॉइल में पाए जा सकते हैं, या फिर आपके ट्री स्टम्स में भी पाए जा सकते हैं, या फिर आपके जो प्लांट बॉडीज हैं वहां पे पाए जा सकते हैं। प्लांट बॉडीज पैरासाइट की यहाँ पे बात की तो मेनली यहाँ पे छोटे प्लांट की बात करें, ट्री की बात नहीं करें। और अगर ट्री में होगा भी तो ट्री के कुछ पार्ट को नुकसान पहुंचाएगा, ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े ट्री को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसके कुछ पार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन प्लांट अगर हुआ छोटा तो उस पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसके बाद द माइसीलियम, तो यहाँ पे इन्होंने बात की किसकी, हैबिटेट की, क्या हैबिटेट है, कहाँ पाए जाते हैं, ये याद रखनी है चीजें, ठीक है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम क्या, माइसीलियम पता ही है अब तो क्या होता है माइसीलियम, ठीक है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे पूरा फंगी तैयार होता है, ठीक है। तो माइसीलियम के अंदर क्या होता है, हाइफी होते हैं, और माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, बहुत ज्यादा हाइफी होंगे, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा इसका, और सेप्टेट होगा मतलब बीच में, हाइफी के बीच में सेप्टा पाए जाएंगे, ठीक है, मतलब पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो एक सिंपल साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा, बीच बीच में ब्लॉकेज में बटा हुआ रहेगा वो, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं इसमें, ज्यादातर नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से होता है, बडिंग होता है, या फ्यूजन हो सकता है, ये बहुत सारे टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास स्पोर्स नहीं होते, यानी कि ये दूसरे फंगी की तरह स्पोर्स के तौर पर, या स्पोर्स के सहायता से कहूंगा, स्पोर्स के सहायता से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो कैसे करता है फिर, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है, ठीक है, लेकिन ये अलग होता है थोड़ा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करता है फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन सिंपल सी बात है, एक फंगी है उसका कुछ पार्ट टूट गया, फिर नया फंगी बन गया वहां पे, फिर उसका कुछ पार्ट टूट गया, नया फंगी बन गया एक और, ये फ्रेगमेंटेशन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन की बात की इन्होंने यहां पे, अब बात कर रहे हैं ये द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसे स्पोर हो गया, या कॉनिडिया था हमने पढ़ के आया ना अभी आगे, तो वो सारी चीजें क्या थी, सेक्स ऑर्गन्स थी, यहां पे सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। बट तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वैसे ही कम कर रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कर रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दिक्कत क्या है कि इसके पास तो कोई ऑर्गन ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, ठीक है। देखो प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी मैंने आपको पहले बताया था, फिर बताता हूँ। प्लाज्मोगैमी मतलब जो आपका साइट, ये प्लाज, ये होता है क्या, पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इसका फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म दो अलग अलग सेल के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए और आगे जाके उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने का, उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी इनमें होता है फ्यूजन से, किसके फ्यूजन से, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल के फ्यूजन से, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, ठीक है। मतलब अलग अलग स्ट्रेन्स के जो फंगी थे, अलग अलग जीनोटाइप के जो फंगी थे, जीनोटाइप क्या होता है पता है ना, जीनोटाइप मतलब उसके अंदर के जो क्रोमोजोम है, या जीनोटाइप, देखो अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं समझना चाहिए आपको, क्योंकि ट्वेल्थ में आएगा जेनेटिक्स में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। जीनोटाइप क्या होता है, जैसे हम दो मेन चीज़ों से बने हैं, एक तो फिनोटाइप क्या होता है, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ ये मेरा फिनोटाइप है, ठीक है, मेरी आंखों का कलर क्या है, मेरे बाल का कलर कैसा है, मेरा कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, ये सब मेरा फिनोटाइप है, फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये कैरेक्टर किससे डिसाइड हुए हैं, जीन से, ठीक है, वो मेरा जीनोटाइप है। अब मेरा जीनोटाइप और आपका जीनोटाइप अलग है, तो वैसे ही फंगी में भी हो सकता है स्ट्रक्चर उनका कुछ सिमिलर सा दिखे, लेकिन उनके जीनोटाइप अलग होंगे, जीनोटाइप अलग होंगे तो उनके स्ट्रेन्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्लियर ही बात।
तो अलग अलग दो टाइप के फंगी या अलग अलग जीनोटाइप के जो फंगी हैं या अलग अलग स्ट्रेन्स जनरली इन इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। एनिमल प्लांट के लिए स्ट्रेन यूज नहीं करते, बैक्टीरिया फंगी इनके लिए यूज किया जाता है। स्ट्रेन्स मतलब टाइप, वेराइटीज, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेन के दो फंगी लिए ये एक फंगी, ये फंगी, और दोनों फंगी को क्या कर दिया, इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म उनका फ्यूज कर दिया, तो क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया। और प्लाज्मोगैमी हो गया तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया, फिर आगे एक नया फंगस से बनेगा, ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको, हाँ, ये वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखता हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। और सोमेटिक सेल क्या है, सोमेटिक सेल हमारी बॉडी की या फंगी की बॉडी की, सोमेटिक सेल नॉर्मल सेल जो भी है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल तो स्पेशल सेल होगा जो रिप्रोडक्शन वगैरह करेंगे, सोमेटिक सेल कौन से होगा, नॉर्मल सेल, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भी यहां से एक सेल ले लोगे तो कौन सा है, सोमेटिक सेल है, लेकिन हमारी बॉडी में जो गैमेटिक सेल है जैसे स्पर्म ओवा, वो अलग टाइप के सेल है क्योंकि वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। यहां का एक सेल ले लोगे तो यहां से क्या आप एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, नहीं बना सकते, उसमें पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो कई टाइप के सेल होते हैं, तो अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि वेजिटेटिव सेल वो होता है जो आगे रिप्रोडक्शन कर पाए या आगे किसी की ग्रोथ में मदद कर पाए, ठीक है। लेकिन सोमेटिक सेल नॉर्मल जो सेल है इसका, कमाल की बात है कि दोनों ही टाइप के सेल्स के यहाँ पे फ्यूजन हो सकते हैं और उनसे प्लाज्मोगैमी परफॉर्म हो सकता है, जिसके सहायता से फंगी जो है आगे बन सकते हैं नए, ठीक है, क्लियर ये बात। ये रिप्रोडक्शन की बात की इन्होंने, ठीक है, ये यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, ठीक है। इसके बाद द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, डायकैरियोटिक होगा। बताया मैंने, डाय मतलब टू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस वाला एक सेल बन जाएगा, ठीक है, दो न्यूक्लियस आधे आधे से फ्यूज होंगे और एक कॉमन सेल होगा, ये सब हम समझ के आए हैं पहले ही, ठीक है। तो डायकैरियोटिक वाली स्टेज आएगी, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम, और जिससे फिर क्या बनेगा, फाइनली जो सेल बनेगा उस सेल को हम क्या कहेंगे, बैसिडियम कहेंगे, ठीक है। अब बैसिडियम कहेंगे, उसके बाद क्या होगा, करियोगैमी। करियोगैमी मतलब न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, अभी तो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया ना, डायकैरियोटिक सेल है, अब न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा, करियोगैमी होगी, गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बैसिडियोफोर्स, ठीक है। करियोगैमी होगी मतलब सेल एक है, न्यूक्लियस भी एक ही हो गया, करियोगैमी हो गई, नया सेल बन गया, ठीक है। लेकिन मियोसिस हुआ है यहाँ पे, ये कमाल की बात है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। मियोसिस हुआ है यहाँ पे मतलब जब एक सेल से कितने सेल बने यहाँ पे, फोर। देखो ये एक नॉर्मल सेल था, ये एक क्या था, पेरेंट फंगी है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस वगैरह फ्यूज कर गया, सारी बातें हो गई, ठीक है, ये आपका करियोगैमी वगैरह हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों, अब यहां पे हुआ मियोसिस, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब मियोसिस हुआ तो इससे कितने सेल बन गए, 1 2 3 4, चार सेल बन गए, ठीक है, चारों में ही न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए वगैरह सारी चीजें हैं इनमें, ठीक है। लेकिन मियोसिस हुआ, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ये रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं इसको, इसके बारे में मैंने आपको बताया था मियोसिस में कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है आधी, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे 20 क्रोमोसोम थे, अगर इसमें कितने क्रोमोसोम थे, 20 मान लो, ठीक है, समझ पा रहे हैं इसे, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तुम, ठीक है, 20 क्रोमोसोम थे यहाँ, तो 20 से यहाँ कितने हो गए, यहाँ 10 ही क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, आधे हो गए, मतलब हर सेल में यहाँ 10-10 क्रोमोसोम होंगे, फिर ऐसे 10-10 क्रोमोसोम वाले सेल जब मान लीजिए आगे जाके ये दोनों फ्यूज करते हैं तो इससे जो बनेगा वो 20 क्रोमोसोम वाला सेल बनेगा, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर ये बात। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा खिचपिच हो गया, इसको मिटाता हूँ मैं, रुको, क्योंकि कई बच्चे इसी से नोट्स बनाते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होगा यहां पे, और ये आगे जाके फाइनली इससे कितने सेल बन गए, फोर सेल बन गए, ठीक है। तो फोर सेल जब बनेंगे इससे तो फिर आगे क्या होगा, वो उनमें से जो भी सेल्स हैं वो आगे फ्यूज कर सकते हैं, और फ्यूज करके क्या बना सकते हैं, वो फर्दर एक नया बैसिडियम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो बनाएंगे फोर बैसिडियो स्पोर्स कहेंगे, फोर बैसिडियो स्पोर्स हैं वो, यानी कि अब ये फ्यूज होके दोबारा से नया बैसिडियम बना सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगुलर बैसिडियम कह सकते हैं, एक सिंगुलर बैसिडियोमाइसिट्स, ठीक है, ये तो पूरी प्रजाति हो गई, सिंगुलर को बैसिडियम बोल सकते हैं हम, ठीक है।
इसके बाद द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। अब ये जो बेसिडियम है, मान लो ये बेसिडियम है, ठीक है, तो ये जो बेसिडियो स्पोर्स है ना, ये बन तो रहे हैं, ये एक सेल से बने, ये तो सही बात है, लेकिन कमाल की बात ये है कि ये अंदर नहीं बने, ठीक है, ये एक्सोजीनियसली बने, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो ये जो चार सेल, अभी तो बड़ा सिंपल से बता दिया मैंने कि एक सेल से चार सेल बन गए, लेकिन एक्चुअली बने कहाँ, ये अंदर नहीं बने, अंदर बने होते तो एंडोजीनियस होता, ये बने कहाँ ये चार सेल, इस तरीके से बाहर बने हैं दोस्तों ये, ठीक है, क्लियर ही बात। और इनमें इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो इसमें भी था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहाँ बने दोस्तों, बाहर बने। तो द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम, ये बेसिडियम है आपका और ये बेसिडियो स्पोर्स हैं चारों, ठीक है, जो बाहर बने। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। अब ये बेसिडिया जो था, ये बेसिडिया जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होगा, ठीक है। ये बेसिडिया जो होता है ना, ये मान लीजिए एक फ्रूटिंग बॉडीज बना देता हूँ, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी है और इसके अंदर ये बहुत सारे बेसिडिया इस तरीके से जितने भी हैं ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं सारे, ठीक है, ये ऐसे अरेंज होते हैं, आगे जाके ये फ्रूटिंग बॉडी जो है फटती है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन वगैरह होता हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। अरे इसको समझ लो ढंग से, देखो द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प। तो ये क्या है, बेसिडियो कार्प है ये, ठीक है, बेसिडियो कार्प जो एक फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, और ये अंदर क्या है, बेसिडिया है, ये अंदर क्या है, बेसिडिया है, और ये बने किससे थे, किसके बाहर बने थे, चारों या चारों या जितने भी हैं, चार ही थे सॉरी, ठीक है, चारों किसके बाहर बने थे, बेसिडिया के बाहर बने थे, ठीक है, बेसिडियम के बाहर। तो ये बेसिडियम, ये बेसिडिया और ये किसके अंदर है, बेसिडियो कार्प के अंदर है जो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। क्लियर है ये बात, शब्दों का ध्यान रखना, थोड़ा सा आई ओ इसमें पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प, ये पढ़ लिया हमने। सम कॉमन मेंबर्स आर, अच्छा इसके जो कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, अब यहां तक की ही पूरी कहानी थी, ये अच्छे से याद रखना है, कुछ कॉमन मेंबर हैं, इनके नाम याद रखना, एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं, एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम जो नॉर्मल होता है वो, ठीक है, इसके बाद यूस्टिलेज, ठीक है, स्टिलेज स्मट, स्मट करने वाले फंगी हैं ये स्टिलेज, ठीक है, मतलब स्मट करने वाले तो बहुत सारे फंगी हैं, उसमें से एक एग्जांपल है स्टिलेज, ठीक है। इसके बाद पुसीनिया, पुसीनिया जो है वो रस्ट फंगस है, ये रस्ट करने वाला फंगी है, तो रस्ट करने वाला फंगी है पुसीनिया। इसके बाद स्मट करने वाला फंगी है स्टिलेज, और इसके बाद जो नॉर्मल मशरूम वाला फंगी जिसे हम खाते भी हैं, ये सारे मशरूम ही खाने वाले नहीं होते, एडिबल नहीं होते, कुछ जहरीले भी होते हैं, ठीक है। तो मशरूम, नॉर्मल जो मशरूम होता है, मतलब इस कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि अच्छा है कि बुरा है, तो जो नॉर्मल मशरूम है वो एगेरिकस ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, एगेरिकस स्पीशीज़ के होते हैं वो ज़्यादातर मशरूम, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एज इट इज़ याद रखना है, एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है, और ये पूरी इसकी एक स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट है, सारा इसमें याद रखना, ठीक है। बेसिडियो माइसिट्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए और फिर आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। अब हम ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स फोर्थ एंड लास्ट टाइप का फंगी है, इसके बाद हमारा फंगी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स फोर्थ एंड लास्ट है, कौन से टाइप का फंगी, कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। सिंपल फंगी फर्स्ट वाला था फाइकोमाइसिट्स, उसके बाद में एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये तीनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स फंगी हैं, ठीक है, और मतलब इनको एक तरीके से फॉल्स फंगी भी कह सकते हैं, फॉल्स फंगी नहीं सॉरी ट्रू फंगी इनको कहा जाता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, मेनली ये जो तीन हैं इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें सिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट होता है और कोइनसाइटिक होता है, मतलब इनका जो बहुत सारे जब सेप्टा प्रेजेंट होंगे हाइफी में तो बहुत सारे मल्टी न्यूक्लेटेड नहीं होगा ये, ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस होगा फिर दूसरा न्यूक्लियस, जबकि जो फर्स्ट वाला था उसमें सेप्टा नहीं था और वो पूरा उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिंगल ही होता है, तो उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लेटेड भी वो हो सकता है, ठीक है। खैर, अब पर्टिकुलर ड्यूटेरोमाइसिट्स की बात करते हैं कि क्या है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी, इसको इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंगी, क्या ऐसा है इसके बारे में, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगी आर नोन, एसेक्सुअल फेज
और वेजिटेटिव फेज ही इस फंगी के बारे में हमें पता है, मतलब इसका जो एसेक्सुअल फेज है और वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वही हमें पता है। अब ये दोनों ही वेजिटेटिव फेज बोलें या एसेक्सुअल फेज बोलें, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ऑब्वियसली, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो या वेजिटेटिव फेज भी उसी का टाइप है, तो हमें इसका सेक्सुअल फेज पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है इसलिए इसको परफेक्ट नहीं बोला हमने, वैसे परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने इसको परफेक्ट इसलिए नहीं माना, इम्परफेक्ट इसलिए माना है क्योंकि अभी इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, हमें सिर्फ यही पता है कि एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज है, ये सेक्सुअल फेज इसका हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या बात है, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ डिटेरोमाइसिड्स वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिड्स एंड बेसिडोमाइसिड्स, ठीक है। जब इनके सेक्सुअल फेज हमें पता पड़ेंगे, जब इनके सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो जाएंगे, तो हो सकता है ये मूव हो जाए एस्कोमाइसिड्स या बेसिडोमाइसिड्स में और ये इसका फोर्थ टाइप ही ना रहे, ठीक है, क्योंकि अगर सेक्सुअल फेज पता होने के बाद इनमें जो स्पोर्स है वो एक्सोजीनियसली बने, ठीक है, एक्सोजीनियसली मतलब जो स्पोर बाहर बने सेल के, तो वो हो जाएगा आपका जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले उस क्लास में आ जाएगा, ठीक है, बेसिडोमाइसिड्स में। और अगर वो एंडोजीनियसली बन रहा है या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं वो स्पोर्स, तो वो आ जाएगा एस्कोमाइसिड्स में, ठीक है, क्लियर ये बात। तो अभी पूरी जानकारी नहीं है हमें इसके बारे में, तो इसका सेक्सुअल फेज पता पड़ेगा, जब हमें सेक्सुअल फेज डिस्कवर होगा तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी एस्कोमाइसिड से मैच करे तो इसको हम एस्कोमाइसिड्स में रख दें, या बेसिडोमाइसिड से मैच करे तो उसको हम बेसिडोमाइसिड्स में रख दें, ठीक है। फाइकोमाइसिड्स में ऑब्वियसली नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये ट्रूफंगी है और ये कॉम्प्लेक्स है थोड़े से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द ड्यूटेरोमाइसिड्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। कॉनिडिया स्ट्रक्चर होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम सेक्सुअल एक तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉनिडिया। तो कॉनिडिया के थ्रू ही ये भी रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कॉनिडिया, उसके थ्रू ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता ही नहीं, करता ही नहीं करता ये नहीं पता है, हो सकता है करता हो और हो सकता है नहीं भी करता हो, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हमें क्या जानकारी है कि एसेक्सुअल स्पोर्स से ये रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से सेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करता है, कॉनिडिया से, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है ये तीनों ही, इन तीनों में सेप्टा प्रेजेंट है और ये ब्रांच है, कोइंसाइटिक थे ये नेचर में, ठीक है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक पता होता है आपको, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पे, किसी गली हुई मरी हुई चीज पे, डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं, ठीक है, उसको उसको एंगल्फ कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, ठीक है, भले वो प्लांट का कोई डेड पार्ट हो, लीटर वगैरह हो या कुछ भी, मतलब डेड कोई एनिमल भी हो सकता है, तो उसके पार्ट को, उस डेड डिकेइंग पे जो फीड करे वो सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, इसके कुछ मेंबर, सारे नहीं, कुछ मेंबर सेप्रोफाइटिक और कुछ पैरासाइटिक भी। पैरासाइटिक मतलब जो डेड डिकेइंग पे फीड करे वो नहीं होते पैरासाइटिक। पैरासाइटिक पता है आपको, जो किसी को हार्म पहुंचाए, किसी होस्ट को हार्म पहुंचाए, ठीक है। While a large member of them are decomposers, कुछ member इनके saprophytic हैं, कुछ member इनके parasitic हैं, लेकिन इनके ज़्यादातर member decomposers हैं। कैसे हैं इनके ज़्यादातर member? Decomposers, decomposers मतलब जो decompose कर दे किसी चीज़ को, बिल्कुल गला दे, ठीक है। आप देखते होंगे कोई, for example, simple से example लेते हैं कि जैसे death होती है तो उनको दफना दिया जाता है, ठीक है, तो दफना देते हैं, तो हम अगर 100-200 साल बाद आके, या कुछ ही साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी आके अगर उनकी बॉडी देखेंगे तो क्या बॉडी मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है, वहां पे सिर्फ हड्डियां मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो भी मांस वाला पार्ट था, जो भी फ्लैशी पार्ट था मतलब बॉडी में, वो सारा का सारा गायब हो गया सॉइल में, ठीक है, सॉइल में वो मिल गया। कैसे मिल गया? क्या सॉइल ने उसको मिला दिया? नहीं, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ फंगी भी हैं इस टाइप के, जो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उस पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन का थोड़ा सा प्रोसेस मैंने बताया आपको, तो ये जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इनके ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो ड्यूटेरोमाइसिड्स के, वो कैसे हैं? डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और ये मिनरल साइक्लिंग भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई मान लीजिए कोई एनिमल मर गया,
डियर मर गया मान लो, ठीक है, अब डियर भी नहीं मरा ऐसे समझो, घास थी, जंगल था, घास थी, उसमें घास को डियर ने खाया और डियर को टाइगर ने खा लिया, अब टाइगर मर गया, ठीक है, टाइगर मर गया तो टाइगर के पास जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन आया और जो भी डियर का न्यूट्रिशन आया वो तो टाइगर में था ही, टाइगर जैसे ही मरेगा तो उसकी बॉडी जो है गल जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी पूरी, तो उसकी बॉडी में जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ चले गए, वो चले गए जमीन में, ठीक है, जमीन में चले गए, जब वहां प्लांट उगेगा तो वही प्लांट उस चीज को खींचेगा, उस मिनरल्स को खींचेगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, उनको खींचेगा उन एलिमेंट्स को और वो प्लांट के अंदर चल जाएगा, फिर प्लांट को कोई और खाएगा, फिर वो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एनर्जी हमेशा है, हमेशा रहेगी, उसे बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता, वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है, और यही सबसे मेन बुक है हमारे देश की, हमारे धर्म की गीता, उसमें बताया गया है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा या आत्मा जो है वो हमेशा रहेगी, वो आपके चले जाने के बाद भी किसी ना किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहती है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, एनर्जी बोलो या आत्मा बोलो एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये साइकिल चलती ही रहती है दोस्तों, ठीक है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो कम्प्लीटली लॉस नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी देखो फिजिक्स के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो जो पूरा यूनिवर्स है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है पूरे अर्थ में, ठीक है, तो एनर्जी यहां से बाहर नहीं जा रही है, एनर्जी यही घूमती रहेगी वो, ठीक है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर प्लांट से किसी और फॉर्म में चलेगी, ऐसे वो पूरा साइकिल चलता रहेगा, लेकिन एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट कैसे हो सकती है, बहुत अच्छे अच्छे काम करें आप, ठीक है, मेरे लेक्चर्स देखें, खूब सारा बायोलॉजी बूस्टर को प्यार दें, तो हो सकता है आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं और आप इस अर्थ से चले जाएं, आप परमात्मा में विलीन हो जाएं फिर, ठीक है, चलिए ये तो ही मजाक वाली बात, तो एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है कभी भी, ये याद रखना, तो वो साइकिल चलती रहती है, तो मिनरल साइकिल जो होता है, मिनरल साइकिल समझ गए होंगे आप, मतलब प्लांट के पास मिनरल जाना सॉइल से, फिर प्लांट से दूसरे में मिनरल जाना, ये जो साइकिल है पूरी, इसको मेंटेन करने में इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इस टाइप के ऑर्गेनिज्म, फंगी, ड्यूटरमाइसिट्स टाइप के फंगी भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया, कोलेटोरिकम और ट्रिकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पहला, कोल्टोट्रिकम और तीसरा है अल्टरनेरिया, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी में एक गिवन है तो ये तो याद होने ही चाहिए, और एक्स्ट्रा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो करना ही करना है, ठीक है, क्लियर ये बात। तो यहाँ पे फाइनली अपना फंगी कंप्लीट हुआ, फंगी सबसे बड़ा इसका पोर्शन था इस किंगडम का, और तीसरा ये किंगडम था, पहला हमने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच उटैकर में हमने पढ़ा था, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, प्लांट और फिर किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमल, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल किंगडम को ज़्यादा इतना एलिब्रेट नहीं किया गया इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि इसका अलग से थर्ड और फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है सेपरेट एनसीईआरटी में, ठीक है, तो जितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, वायरस वायरॉइड क्या होते हैं, खैर इनको आइडेंटिफाई तो नहीं किया गया अब तक ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है तो उसको भी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।